नगर परिषद बनखेड़ी द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं से हितग्राहियों को लाभ वितरण शहरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शिविर का आयोजन नगर परिषद में हाट बाजार में रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, राशन पात्रता पर्ची, लाडली लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन, संबल योजना, BPL आदि योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद बनखेड़ी के अध्यक्ष हरीश कुमार मालानी, नवनीत नागपाल सहित राजस्व, खाद्य, महिला एवं बाल विकास एवं नगर परिषद कर्मचारी उपस्थित थे। बनखेड़ी से जगदीश गढ़वाल की रिपोर्ट। दिन ऐसा मनाना है कि जिसमें गरीब जनता के बीच में लाभ हो, और कार्यकर्ताओं को भी बोला और सरकार को भी बोला कि आप उनके बीच में जाके काम करें। आज माननीय मोदी जी इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री, माननीय मोदी जी इसलिए हैं कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आज की तारीख में जनता को सबसे बड़ा आज विश्वास नेताओं की बातों पर रहता है कि जो नेता बोल रहा है बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए आज मोदी जी और देश के और विदेश के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने जो भी बोला वो बोलते थे मैं 370 खत्म कर दूंगा। जनता बोलती थी, जनता तो मानती थी, लेकिन जो उनके विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि ये फालतू बात करते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने धारा 370 भी खत्म कर दी। और इसके बाद आज भी हमारा हिंदुस्तान इसलिए है कि भारत की संस्कृति जिंदा है, और भारत की संस्कृति को जिंदा करने के लिए जितना प्रयास माननीय मोदी जी कर रहा है, मेरा मानना है कि कोई दूसरा नेता नहीं कर रहा हो। हमें मोदी जी बनने की जरूरत नहीं है, हम मोदी जी के साथ ही खड़े रहे, इतने ही पर्याप्त। और जो भी आपकी समस्याएं, आपने पूरे आशीर्वाद से सांसद जी, विधायक जी और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष को जिताया है। अब आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, अब आप जो बोलोगे हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। आप इसी तरह भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बना के रखना, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके विश्वास को हम कभी खराब नहीं होने देंगे, और आगे भी मोदी जी को सुनना वो भी जल्दी आ जाएंगे। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मातृ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।